नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ढाकर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। नगर निगम द्वारा गृहकर के अनावश्यक बड़े हुए बिलों का अलीगढ़ मेयर का आंदोलन हुआ कारगर। दरअसल अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा अलीगढ़ की जनता को अनावश्यक रूप से तादाद की संख्या में गृहकर जारी किए। गृहकर पाकर अलीगढ़ की जनता गृहकर पाकर तिलमिला गई। लगातार नगर निगम के चक्कर लगाने के बाद भी जनता को कहीं भी अनावश्यक गृहकर का जवाब नहीं मिल पाया। तत्काल शहर की जनता ने इस मामले को लेकर जब मेयर से मुलाकात की तो मेयर ने इस मामले को गंभीरता से लेकर जनता की आवाज़ को नगर निगम अपराधियों तक पहुँचाया। नगर निगम ने भी मामले को बढ़ता देख अनावश्यक गृहकर के बिलों को गंभीरता से लिया। निगम अधिकारियों ने सभी बड़े हुए गृहकर को सर्वे कराकर शहर की जनता को संतुष्ट किया, लेकिन नगर निगम के द्वारा गृहकर को लेकर जो लापरवाही की जिससे शहर की जनता को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? जीबीएन 24 न्यूज के लिए अलीगढ़ से बंटी कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम ने जिस तरीके से जनता पे गृहकर का बोझ डाला है और आपकी मुहिम चलाई और वो कामयाब भी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है कि ये नगर निगम वालों ने जो चलाया है वो तो सरकार का हवाला देते हैं, लेकिन जिस तरह बोर्ड पब्लिक पर पड़ा है, कम से कम मुझे ऐसा आदमी और तमाम लोग एक राय हैं कि ये कम होना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं स्टेप मैं नहीं लिया और मैंने कहा यह गलत है और आर्टिकल 213 है उसके तहत भी ये गलत है। हमने बताया था कि तरीका ये है कि आप 2017 से ले रहे हैं और 22 में सुनवाई कर रहे हैं, जबकि ये है कि पहले सुनवाई कीजिए बाद में लीजिए, तो इसको हम अच्छा नहीं समझते और पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए। सरकार से भी बात की है, लिख के भी मैंने भेजा है, सीएम के यहाँ भेजा है, अपने मिनिस्टर के यहाँ भेजा है, लखनऊ भेजा है और एमएलए एमपी भी बोल रहे हैं, वो भी मुखालफत कर रहे हैं इसकी, तो ये ठीक नहीं हो रहा, इसको सही तो करना पड़ेगा। हम पब्लिक के साथ हैं, मैं कम से कम इसका विरोध भी किया है, डंके की चोट पर किया और सबसे पहले मैंने ही विरोध किया। अब नगर आयुक्त से अभी बात हो रही थी, उनका कोई ना कोई हल निकालते हैं और हम एक ड्राफ्ट बना रहे हैं, हम देंगे, अब वो मेरे पास आ जाए पहले बन के, हम मिनिस्ट्री को भेजेंगे, सरकार को भेजेंगे, कितना वो कम करा सकते हैं, लेकिन सरकार को भी पब्लिक से हमदर्दी रखनी चाहिए, मेयर को तो है ही, नेताओं को रखनी चाहिए और हम पब्लिक के चुने हुए हैं, पब्लिक के साथ हैं, उनकी नाराज़गी हम बर्दाश्त हैं, जायज़ उनकी डिमांड होगी हम उनके साथ खड़े होंगे। जनता जनता को कितना दुख का सामना करना पड़ता है बढ़ते गृहकर के साथ? दरअसल में नहीं, बहुत वही आजकल कोरोना से बीत के आए लोग, कहाँ पर असर रखा है लोग, लेकिन एकदम हम इतना बोझ डाल दें 2017 से, कहीं कहीं तो उन्होंने गजब कर दिया कि 300 गज के फ्लैट पर 18.5 लाख डाल दिए। इसी तरह से बहुत से गलत फैसले हुए, उन सबको ठीक करना होगा और सरकार के पास जो लिखा है उसके पास से जवाब आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। आपके पास सैकड़ों लोग शिकायतें लेकर आए थे, क्या वो राहत की सांस महसूस कर रहे हैं? जो लोग मेरे पास आए, मैंने फ़ोन करके कहा इसे देखिए, उन्होंने देखा है, फिर दोबारा वो लौट के नहीं आए, तो मुझे लगता है कि कुछ मसले का हल हुआ होगा, लेकिन आम पब्लिक तो नहीं पहुँच पाती है, आम पब्लिक तो नहीं कर पाती है, इतने पैसे कहाँ से देगा कोई? अब देखिए सरकार से भी बात हो रही है, नगर आयुक्त से बात हुई है और कल 11 बजे फिर मैंने मीटिंग रखी।